सबके बारे में बात कर ही देता हूँ, आज हम लोग बात करते हैं स्नेहा पॉल के बारे में। आज हम लोग जानते हैं क्या इनकी कोई सीरीज आ रही है तो कब आ रही है, और नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए गुरु, बात करते हैं हम लोग स्नेहा पॉल की सीरीज के बारे में और जानते हैं अभी के टाइम में ये एक्ट्रेस कर क्या रही है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। नेहा पॉल ये भी नाम कोई छोटा नाम नहीं भाई। एक समय ये उल्लू की क्वीन मानी जाती थी, आतंक मचा कर रखती थी उल्लू के ऐप पर। उल्लू ऐप के ऊपर इनकी हम लोगों को 2-3 सीरीजें देखने को मिली, इसके बाद फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर इनकी सीरीजें नहीं आई। अब आखिर ऐसा क्यों और अभी के टाइम में स्नेहा पॉल क्या कर रही है, मैं आप लोगों को चलो बताता हूँ। स्नेहा पॉल भाई एक बड़े पर्दे का इंतजार कर रही हैं, ये बड़े पर्दे पर दिखना चाहती हैं और लोगों को पागल करना चाहती हैं, इसी के कारण ये छोटे प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रही। इनकी सीरीज को रिलीज हुए अच्छे खासे दिन गुजर चुके हैं और भाई अब इनकी कोई भी सीरीज नहीं आ रही है, और भाई ना तो ये अभी कोई सीरीज करेंगी, ये आएंगी तो बड़े पर्दे पर आएंगी, वरना ऐसे ये किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं आने वाली। अगर आप इनके डाई हार्ट फैन हो, इनको फॉलो करते हो, तो आप अच्छे से जान रहे होगे भाई इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है, उसी पर अभी ये ध्यान दे रही है और इंस्टाग्राम पे थोड़ा ध्यान दे रही है। जबकि ढेर सारी एक्ट्रेस अपने ऐप को चला रही है, ओनली फैंस चला रही हैं, लेकिन ये एक्ट्रेस बिजनेस पर ध्यान दे रही हैं और इसके साथ साथ ये एक नए और बड़े प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही हैं। अब यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछोगे भाई इनकी सीरीज हम लोगों को आगे चल के किसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं गुरु, अगर MX प्लेयर या फिर अल्ट इनको कास्ट करता है तभी ये काम करेंगी, वरना इससे फिर जो नीचे प्लेटफॉर्म है उन पर ये काम नहीं करने वाली। एक हो तो गिनाऊं, इनको ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म ने प्रपोजल भेजा लेकिन ये सीरीज करने से मना कर दे रही हैं। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है यही जाने, लेकिन गुरु अभी आप लोगों को इनकी कोई भी सीरीज देखने को नहीं मिलेगी, दूर दूर तक इनका कोई भी नामो निशान सीरीजों में नहीं है। खैर छोड़ो, जाने दो, जब भी आना होगा ये आएंगी, और आएंगी तो मैं आप लोगों को जरूर से अपडेट करूंगा। याद रखना हर चीज की एक कीमत होती है, जैसे ही इनकी कीमत अदा हो जाएगी वहां पे आप लोगों को ये एक्ट्रेस देखने को मिल जाएंगी। तो बस ये था वो छोटा सा अपडेट जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी के साथ मैं चलता हूं।